जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप साहब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हैंड क्रिकेट हॉरिकेन्स लीग 2024-25 का ये मुकाबला जो है वो अब शुरू हो चुका है, और ये मुकाबला जो है वो अब शुरू हो चुका है और मुझे जो है बुलाया जा रहा है, तो मैं पहुंच चुका हूं जनाब। और अभी मैं इनको हरी आपका स्टिकर भेजूंगा और उसके बाद जो है वो मैच का आगाज़ हो जाएगा। शहजाद पुन्नू क़यादत कर रहे हैं लाहौर कलंदर्स की, और BCW यानी इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान है ये अरसलान जट। और ये मेरी जानिब से हरी आपका मैसेज गया, और अभी कुछ देर में जनाब मुकाबला शुरू हो जाएगा लाहौर वर्सेस इस्लामाबाद। आज मैंने साउंड कस्टमाइज नहीं किए हुए क्योंकि मैंने जरा सेटिंग की थी। तो लाहौर कलंदर जो है वो टॉस करेगा, सिक्का उछालेगा, हेड की कॉल है एंड हेड इट इज। लाहौर कलंदर्स हैव वन द टॉस एंड दे डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट। तो देखना पड़ेगा कि कौन ओपनिंग करता है बॉलिंग में, कौन ओपनिंग करता है बैटिंग में, कौन नॉन स्ट्राइकर एंड संभालेगा। असद नजर आ चुके हैं बॉलिंग करने के लिए, मोइन और शिवम साबित ओपनिंग करेंगे। तो मोइन जट और शिवम साबित को जो है वो मैदान में उतारा है शहजाद पुन्नू ने अपनी जानिब से। मोइन जट पहले गेंद का सामना करेंगे असद मजहर की, असद मजहर भी बॉल कर चुके हैं, मोइन जट शॉर्ट सेलेक्ट करेंगे और डॉट बॉल। तो ये थोड़ा सा ये है कि डॉट बॉल हो चुकी है, मोइन जट एम जी जो है को उनको माइक दे दिया गया। अच्छा जी, डॉट बॉल पहली, असद मजहर दूसरी गेंद करने के लिए तैयार। तो मोइन जट करेंगे सामना, पहली गेंद खेली थी डॉट, दूसरी गेंद के लिए क्या करेंगे, जबरदस्त अंदाज गेंद को खेल दिया एक्स्ट्रा कवर पॉइंट के दरमियान से दो रन के लिए। आप फिर सामना करेंगे मोइन जट, पहली गेंद पर डॉट, दूसरी पे दुक्का लगा चुके, तीसरी गेंद आने को, असद मजहर ने बॉल सेलेक्ट कर ली, जबरदस्त स्ट्रोक, गेंद को खेल दिया पांच रन के लिए। मोइन जट का जारहाना आगाज कह सकते हैं आप, तीन गेंदों में सात बना चुके मोइन जट अब तक। सामना करेंगे शिवम साबित, अच्छी डिलीवरी यहां पर, गेंद को खेल दिया सिंगल के लिए शिवम साबित ने। असद मजहर आठ रन खा चुके हैं अब तक चार गेंदों में, एक बार फिर मोइन जट सामना करेंगे, क्या बड़े शॉट के लिए जाएंगे मोइन जट या फिर नीचे ही खेलने का, वो हिंदी में जैसे कहते हैं प्रयास करेंगे। बड़ा शॉट खेला एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, गेंद जा रही है एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चार रन के लिए। तो अगली गेंद का सामना करेंगे मोइन जट, एक बार फिर 12 बना चुकी है टीम लाहौर कलंदर्स अपने पहले ओवर में स्कोर, पांच गेंदों का सामना खेल जो है वो अब तक सामने हो चुका है। एक और जबरदस्त स्ट्रोक, एक और शॉट का, एक ओवर के बाद 16 जिनमें से 15 मोइन जट के हैं। मोइन जट आ चुके हैं नॉन स्ट्राइकर पर, जबरदस्त अंदाज में गेंद को इस बार खेल दिया डीप स्क्वायर लेग की जानिब, तीन रन बनेंगे। तो शिवम साबित नॉन स्ट्राइकर रन पर चले गए, मोइन जट एक बार फिर सामना करेंगे हमजा रियाज का, हमजा रियाज दूसरी गेंद करेंगे, पहली गेंद पर तिक्का इनको लग चुका है, क्या मोइन जट बड़े स्ट्रोक के लिए जाएंगे या फिर खेलेंगे नीचे, ये तो देखना बाकी है। जबरदस्त स्ट्रोक, बैक टू बैक तीसरा चौका मोइन जट की जानिब से, दो पिछले ओवर की आखिरी दो गेंदों पर और अब अगले ओवर की दूसरी गेंद पर मोइन जट की जानिब से तीसरा चौका हमें देखने को मिला है। तो मोइन जट इज ऑन अ रोल, ही प्लेड अटैकिंग क्रिकेट अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड इन हिज फर्स्ट मैच ऑफ द हैंड क्रिकेट हॉरिकेन्स लीग 2024-25। मोइन जट एक बार फिर सामना करेंगे हमदा रियाज का, मोइन जट अब तक काफी खतरनाक मूड में लग चुके हैं, लग रहे हैं तीन चौके वो लगा चुके हैं। और एक पंजाबी देखने की जाने देखने में आया था, लेकिन अब ये दूसरा पंजाबी आ चुका है 28 for 0 आफ्टर 1.3 ओवर्स। तो ये हमजा रियाज को काफी आड़े हाथों लिया है, अच्छा एंकर रोल प्ले करते हुए शिवम साबित सिंगल के लिए खेला, पहुंचे पांच पर। तो अब सामना करेंगे मोइन जट, मोइन जट एक बार फिर सामना करेंगे, मोइन जट पहुंच चुके हैं 24 रन पर, जी हाँ 24 रन पर पहुंच चुके हैं, सात गेंदों का सामना कर रखा है, क्या मोइन जट बड़े शॉट के लिए जाएंगे या फिर नीचे ही रहेंगे ये देखना बाकी है। बॉल सेलेक्ट कर ली गई हमदा रियाज की जानिब से, मोइन जट कहाँ आउट होते, ओ सिंगल के लिए खेला मोइन जट ने काफी सोच विचार के बाद। तो 25 पर जहाँ पहुंचे हैं आठ गेंदों का सामना करते हुए मोइन जट, तीसरा मजमुआ हो चुका है और एक और दुक्के के साथ ओवर का खत्म किया। तो दो ओवर के बाद 16 के एवरेज के साथ चल रहे हैं, पहले ओवर में भी 16 रन बनाए थे और दूसरे ही ओवर में फिर 16 रन बना दिए, असद मजहर को फिर से कंटिन्यू किया कप्तान अरसलान जट ने। अब तक दो ओवर में 32 रन बना चुकी है लाहौर कलंदर्स की टीम, अभी तक कोई खिलाड़ी उनका आउट नहीं हुआ है।
लाहौर कलंदर्स एक बार फिर तैयार है खेलने के लिए। यहाँ पर कौन है, मोइन जट हैं सामने, जिन्होंने 25 रन बना रखे हैं 8 गेंदों का सामना करते हुए। तो देखना पड़ेगा कि मोइन जट क्या शॉट सेलेक्ट करते हैं। चौका, ये वीक पॉइंट था और आउट हो गए या मोइन जट। असद मजहर कामयाब रहे, पहली कामयाबी लाहौर कलंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड को मिलती हुई। इमरान अहमद ताल्लुक इंडिया से खेल रहे हैं, पाकिस्तानी लाहौर कलंदर्स की जानिब से। इमरान ने इस बार गेंद को खेला एक रन के लिए, तो अब दोनों ही इंडियन शिबम साबित। और इमरान अहमद जबरदस्त नजर में गेंद को खेला, 2 रन का मजीद इजाफा शिबम साबित के स्कोर में। शिबम साबित अब पहुंच चुके हैं 9 रन पर, एक और दुक्का लगा चुके हैं और इस दुक्के के साथ 11 पर पहुंच चुके हैं। तो जबरदस्त नजर में गेंद को खेला, खेल रहे हैं अब तक लाहौर कलंदर्स के बैटर। जबरदस्त स्ट्रोक, 5 रन, शिबम साबित अब मैदान में आ चुके हैं जी। 16 रन बना लिए शिवम साबित ने, छक्का इमरान अहमद का। यही है भाई, यही है इनकी खासियत इमरान अहमद की, अटैक करते रहते हैं। 48 for 1। नया बॉलर कौन है जिन्होंने इतनी जल्दी सिलेक्ट कर ली, हमजा रियाज, बड़ा शॉट हमजा रियाज को इब्तिदाही में छक्के के साथ आड़े हाथों लिया शिवम साबित ने। शिवम साबित बोल्ड हो गए, बैक टू बैक दूसरा लगाना चाहते थे लेकिन हमजा ने कहा ना भाई इतना भी तो नहीं चलता। शिवम साबित आउट हो चुके हैं, शहजाद कप्तान आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए। शहजाद कैप्टन पहली गेंद का सामना करेंगे। अभी तक 50 क्रॉस हो चुकी है मगर विकेटें अभी भी, और यहाँ पर डक पर आउट हो गए शहजाद। He's gone for duck. Brilliant bowling from Hamza Riaz. He's on a hat trick. My word. What happening out there? लियाकत अली आ चुके हैं, लियाकत, लियाकत अली पिछली सीजन BCW की जानिब से खेले थे। जबरदस्त नजर में गेंद को खेला, 5 रन के लिए मैं बात कर रहा हूँ। PPL की जो इन्होंने रावलपिंडी स्ट्राइकर्स के लिए खेला, उसके बाद एशियन गेम्स में इन्होंने फिलिस्तीन फाइटर्स की नुमाइंदगी की और अब सामना कर रहे हैं ये, अब खेल रहे हैं लाहौर कलंदर्स की तरफ से। सामना कर रहे हैं एक बार फिर शिवम साबित, जो अब तक अच्छे टच में नजर आ रहे हैं, बल्कि इमरान अहमद है शायद, हाँ इमरान अहमद है। शिवम साबित आउट हो गए, जबरदस्त गेंद को इमरान ने एक रन के लिए। तो शिवम साबित बैक टू बैक छक्का लगाने की कोशिश में आउट हुए थे। अब तक इमरान अहमद जो है उन्होंने 8 रन बना लिए हैं, लियाकत ने एक गेंद का सामना किया हुआ है, 5 रन बनाए हुए हैं। तो देखना पड़ेगा कि किस अंदाज में खेलते हैं। बड़ा स्ट्रोक लगाने के चक्कर में लियाकत भी आउट, तो 60 for 4 ओवर के बाद लाहौर कलंदर्स मुश्किलात का शिकार। मोहम्मद जमील आ चुके हैं जी, बाबा बुजुर्ग मोहम्मद जमील, मोहम्मद जमील जो कि ताबड़तोड़ बाबे हैं लाहौर कलंदर के लिए खेल रहे हैं इस सीजन में, और इस बार गेंद को खेल दिया, बाल बाल बचे। यहाँ पर इमरान भाई और असद मजर आ चुके हैं बैक टू बैक तीसरा ओवर करने के लिए। असद मजर बोल्ड हो गए, जमील दो पर पकड़े गए असद मजर के हाथों, एक और डक जमील की किस्मत में, बाबा जी फेल हो गए हैं जनाब। तो अब देखते हैं कि शहजाद मोइन जट वाइस कैप्टन दूसरी बार बैटिंग करने के लिए आए हैं, तो देखना पड़ेगा कि क्या कर पाते हैं। पहली इन्होंने अच्छी बारी खेली थी, 25 रन बनाए थे, नो डाउट बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेली, लेकिन 7 इनका किसी ने नहीं दिया। तो लाहौर कलंदर क्लैप्स कर चुका है अब तक, 5 खिलाड़ी लाहौर कलंदर्स के आउट हो चुके हैं। एक बार फिर तैयार मोइन जट, सामना करेंगे असद मजर का, क्या बड़े स्ट्रोक के लिए जाएंगे या नीचे ही रहकर अपनी किस्मत। नहीं जी, लगा दिया बड़ा शॉट और 5 रन के साथ अपने खाता खोला दूसरी बारी में, 68 for 5। इमरान अहमद दूसरी जानिब देख रहे हैं अपने खिलाड़ियों को आते जाते जाते, और ये भी खुद भी चले गए पंजे पे डबलिंग करने चले गए और पकड़े गए यहाँ पर इमरान अहमद, 68 for 6। शिवम साबित आ चुके हैं जनाब, शिवम साबित Your team is selecting hit. Comes in for a second time. Shivam Sabit, 68 for 6. और यहाँ पर बड़ा स्ट्रोक, इब्तिदा छक्के के साथ, टक! गेंद बाउंड्री से बाहर.
Your team is selecting hit. क्या फिर डबलिंग के लिए जाएंगे? नहीं, ओ बाल बाल बचे यहाँ। पांच ओवर का खेल मुकम्मल, 76 पे 6 खिलाड़ी आउट। अरे यार कौन है ये? हमजा भाई थोड़ा इंतजार करने दिया करो यार, क्या करते हो? बहरहाल जी 28 रन दो ओवर में दे चुके हैं, 3 खिलाड़ी इन्होंने आउट किए हुए हैं 76 पे 6। अब देखना पड़ेगा कि इमरान, ये क्या नाम है, मोइन जट ने कैसे खेलते हैं। मोइन जट ने एक गेंद का सामना कर रखा है, 5 रन बनाए हैं, बड़ा जबरदस्त स्ट्रोक गेंद को खेल दिया स्क्वायर लग के ऊपर से, और गेंद 5 रन के लिए सीमा रेखा क्रॉस कर गई, तो मोइन पहुंचे 10 और उनका साथ दे रहे हैं शिवम साबर। अब तक 6 रन बनाए हैं, सॉरी 8 रन बना रखे हैं, तो एक बार फिर सामना कर रहे हैं शिवम साबर। मुझे नहीं पता इन्होंने 2007 क्यों लगाया है, लेकिन यह है कि 2007 अच्छी डिलीवरी सिंगल के साथ अपने स्कोर को आगे बढ़ाते हुए शिवम साबित जो पहुंचा 9 पर, मोइन जट 10 रन पे नॉट आउट है, सामना करेंगे हमजा रियाज का। बैक टू बैक बॉलर्स आजमाए जा रहे हैं अरसलान भी, और हमजा रियाज अब सामना करेंगे डॉट डिलीवरी डॉट बॉल। 5.3 ओवर में 82 पे 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, और यूं लाहौर कलंदर्स जो है वो काफ़ी मुश्किलात का शिकार है यहाँ पर। 150-160 रन अगर बनते हैं तब जाके ये कुछ सेफ टोटल होगा। वार्म अप मैच भी इनका बड़ा एक क्लोज गया था, वो एक पेनल्टी के बायस शहजाद साहब जो है वो पीछे रह गए इस बार, अगली गेंद को निकाला सिंगल के लिए, वरना 8 विकेट तो उन्होंने गिरा ही दी थी, अगर वो पेनल्टी ना होती तो शायद मामला काफ़ी क्लोज जाता। बहरहाल जी एक बार फिर तैयार है बैटर सामना करने के लिए। इस बार गेंद को खेला 2 रन के लिए शिवम साबत ने। शिवम साबत एक बार फिर मोहतात अंदाज में खेल रहे हैं, 4 गेंदों को 12-11 बना लिया, जबरदस्त स्ट्रोक, गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से निकाला 4 रन के लिए। छठे ओवर का खत्म किया चौके के साथ 89 पे 6 मुजम्मिल मुस्तफा। इनकी स्ट्रेंथ तो बैटिंग है, बैटिंग करना बड़े अच्छे से जानते हैं, मगर यहाँ बॉलिंग करेंगे मुजम्मिल मुस्तफा। 89-6 पार्टनरशिप पनपती हुई, मोइन जट सामना करेंगे मुजम्मिल मुस्तफ़ा का। मोइन जट इनको आसानी से खेल सकते हैं क्योंकि ये पार्ट टाइमर बॉलर हैं, तो देखना पड़ेगा मुजम्मिल क्या कर पाते हैं। बॉल सेलेक्ट कर चुके हैं मुजम्मिल, ओह माय गॉड, पार्ट टाइमर ले उड़ा बड़ा प्लेयर, मोइन जट गॉन 89-7। वाओ व्हाट अ ब्रिलियंट बॉलिंग फ्रॉम इस्लामाबाद यूनाइटेड। शहजाद परेशान है, अब किसको मौका दें? इमरान अहमद आ चुके हैं दूसरी बार। अच्छा शहजाद साहब की इंटेंट से लगता है, ओ बाल बाल बचे यहाँ पर, सिंगल के लिए खेला है शहजाद साहब की इंटेंट से लगता है कि वो खुद बैटिंग करने अब नहीं आने वाले। बहरहाल देखते हैं कि मेरा तुक्का सही लगता है कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी खुद बैटिंग करने नहीं आएंगे। बहरहाल इस बार जबरदस्त अंदाज में गेंद को खेला, 3 रन बन जाएंगे मजीद, तो शिवम साबित टीम के लिए लड़ते हुए फिर से दूसरी बारी में 93-7, और यहां पर सामना करेंगे इमरान अहमद, इस बार फिर सिंगल 94-7 सामना कर रहे हैं, सॉरी सामना कर रहे हैं शिवम साबित, गेंद को खेला पर 2 रन के लिए, तो 96 पे 7 मुजम्मिल मुस्तफा बॉलिंग कर रहे हैं, और यहां पर एक और 3 रन के साथ ओवर का खत्म, 7 ओवर के बाद 99 पे 7 Waiting for selection of bowler. इसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस का भी मुकाबला है। चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के लिए हमारे साथी यासिर राजपूत जो है वो कॉमेंट्री के फराइज सरंजाम देंगे। साहिब हुसैन आ चुके हैं, बड़े जबरदस्त बॉलर हैं, इंडिया से ताल्लुक है, इस बार जबरदस्त अंदाज में गेंद को खेला 4 रन के लिए, अगली गेंद पे 5 लगा दिया जनाब, तो ये साहिब हुसैन को तोड़े हाथों ले चुके हैं ये। इस बार सिंह 3 रन के लिए खेला, शिवम साबित इज ऑन अ रोल, शिवम साबित एक बार फिर 2 रन, शिवम साबित ने अब तक, अब पिछले तो गिनने दो, जबरदस्त अंदाज में गेंद को खेला 5 रन के लिए, शिवम साबित ने पहुंचे 39 पर एक और पंजा, बैक टू बैक पंजे, 8 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। यार कुछ स्कोर तो वेखण दिया करो यार, कप्तानों की कर दे यार। और बार जबरदस्त अंदाज में गेंद को खेला 6 रन के लिए, तो मुजम्मिल मुस्तफा के खिलाफ दूसरा बैक टू बैक छक्का, इमरान
Imran Ahmed is on a roll. 25 for 7. Shivam Sabit dusri janib 39 pe not out hai. 12 gendon ka samna kiya hua hai. 5 runs ke saath 50 runs ki partnership mukammal. Zabardast batting Shivam aur dusre kya naam hai Imran bhai ki janib se excellent batting aur tabah karke rakh diya ek surat-e-haal mein bowling ko aur ek waqt mein aisa lag raha tha ki लाहौर कलंदर कोलैप्स कर जाएगा लेकिन वहां पर संभाला दिया इन्होंने दोनों ने एक जबरदस्त पार्टनरशिप लगाई इस बार डॉट बॉल शिवम साबित 44 जबकि 25 रन बना चुके यहां पर इमरान भाई इमरान अहमद फ्रॉम इंडिया और बॉल्ड हो गए इमरान अहमद आउट हो गए 9 ओवर का खेल मुकम्मल मुजम्मिल मुस्तफा फिर ले गए 143 हैं Your team is selecting hit. Left, 143 Liaquat Ali aaye hain dusri janib yahan par gend ko khela 3 runs ke liye Shivam Sabit ne jo pahunche 47 par is baar gend ko khela single ke liye 14 pe 47 bana ke not out hai Shivam Sabit aur yahan par zabardast chakke ke sath apni 50 mukammal kiya Shivam Sabit pehli 50 Hurricanes league ki to yahan par bold ho gaye Liaquat शिवम साबित एक जबरदस्त खिलाड़ी हैं और उनका उस चीज का सबूत भी दिया है शिवम साबित ने एक अच्छी इनिंग्स खेली है टीम मोहम्मद कहा शहजाद साहब नहीं आएंगे और वो नहीं आए मेरा तुक्का सही लगा मोहम्मद जमील को दूसरी बारी में भेजा है क्या दूसरी बार भी इनकी किस्मत में अंडा निकलेगा या फिर इस बार उबला हुआ अंडा निकलेगा अच्छा देखते हैं नहीं जी इस बार गेंद को खेल दिया खूबसूरत अंदाज में 4 रन के लिए 10 ओवर का गेम मुकम्मल 159 पे 9 अच्छा टारगेट सेट कर लिया है शहजाद साहब की बॉलिंग यानी लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग ऐसी है कि वो ये टारगेट डिफेंड कर सकती है 159 पे 9 तो 159 पर 9 हो चुका है इस वक्त हमजा रियाज को आजमाया गया है हमजा रियाज अपना आखिरी ओवर करेंगे हमजा रियाज इससे पहले 3 ओवर कर चुके हैं और 3 ओवर में 41 रन पड़ चुके हैं उन्हें 3 खिलाड़ी गो के उन्होंने आउट किए हैं बहरहाल 159 पर 9 इस बार डॉट बॉल लियाकत अली जो हैं वो नॉट आउट हैं अच्छा लियाकत बचे हुए थे वो आउट हुए हैं क्या नाम है शिवम भाई शिवम साबित आउट हुआ चलो जी ठीक है कोई बात नहीं शिवम साबित चलता रहता है जी चलता रहता है गलतियां तो होती ही रहती हैं इस बार फिर लियाकत अली सामना करेंगे जिन्होंने इस बार बड़ा स्ट्रोक जीरो पे थे और छक्का लगा दिया लियाकत ने तो बहुत बड़ा डिफरेंस काफी सेफ स्कोर था ये इस बार 5 रन तो 170 हो चुका 9 विकेटों के नुकसान पर इस बार जमील सामना करेंगे जिन्होंने चौका लगा रखा है और बोल्ड हो गए ना भाई ना हर बारी नहीं लगने देंगे तो 170 रन इन 10.4 ओवर्स 171 टू विन असलान खुद बॉलिंग करने तो नहीं आए लेकिन देखना पड़ेगा बैटिंग करने आते हैं कि नहीं राहुल कुमार आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए और अरसलान दूसरी जाने वा चुके हैं बैटिंग क्या नाम है नॉन स्ट्राइकर एंड पर अरे रुको रुको हाँ हो हाँ कॉपी टू क्लिपबोर्ड मीडिया वॉल्यूम अटेंशन अब तो ये रिस्पेक्टेबल टोटल हमने लगा लिया है इंशाल्लाह आराम आराम से बॉलिंग करनी डिसेबल ही रखना है अच्छा जी यहां पर अब सामना कर रहे हैं राहुल कुमार जिन्होंने खूबसूरत अंदाज में गेंद को खेल दिया 4 रन के 5 रन के लिए शहजाद पन्नू की पहली गेंद चौके के लिए अरसलान सामना करेंगे अब शहजाद साहब ने पहले कह दिया कि ये रिस्पेक्टेबल टोटल है हम बचा सकते हैं 171 ठीक है वाकई उन्होंने ठीक कहा रिस्पेक्टेबल टोटल है एक बार फिर सामना करेंगे अरसलान जट क्या नीचे खेलने की कोशिश करेंगे या फिर आएंगे ऊपर 5 रन बैक टू बैक पंजे अरसलान की तरफ से शहजाद भाई फोकस रखना है और डबलिंग नहीं खानी बाकी इंशाल्लाह बेहतर होगा मोइन जट डबलिंग से मना कर रहे हैं मगर शहजाद डबलिंग खा रहे हैं तो शिवम साबित को दाद देते हुए और इमरान भाई को मोइन जट जो के कप्तान है वाइस कप्तान है लाहौर कलंदर के 10 रन हो चुके हैं 2 गेंदों का सामना किया है इस बार सामना करेंगे राहुल कुमार और शहजाद ने बॉल सेलेक्ट की है टा की भी आवाज आई है लेकिन इस बार गेंद को खेला 4 रन के लिए काफी इंटेलिजेंट बैटिंग और किसी जाल में नहीं आ रहे जो शहजाद उनके लिए बिछा रहे हैं बहरहाल 14 for 0 आफ्टर 0.3 ओवर्स अभी पहले ही ओवर की चौथी गेंद आएगी तो देखना पड़ेगा कि क्या होता है इस चौथी गेंद पर 14 for 0 अगली गेंद आने को 5 रन का मजीद इजाफा तो 19 हो चुका 152 फ्रॉम 19.2 ओवर्स
Waiting for तो 19 रन हो चुके हैं इस बार, इस बार गेम को खेला सिंगल के लिए 20 रन हो चुके हैं, 20 बगैर किसी नुकसान के इस बार Waiting for opponent bat. इस्लामाबाद यूनाइटेड के पहले ओवर के खेल जारी और आउट हो गए, छक्का लगा भाई, इतने रन बन गए पहले ओवर में, छक्के की जरूरत नहीं थी मगर गलत शॉट खेली। Waiting for selection of non striker. Waiting for selection of bowler. कौन आउट हुआ है? New bowler. Moeen Jutt MJ Jam. Your team is selecting ball. यार मेरा टच भी फंस गया, चलो मैं इसको सीधा कर लेता हूं, कोई मसला नहीं। बहरहाल मोइन जट आ चुके हैं बॉलिंग करने के लिए और गलत शॉट खेली राहुल कुमार ने। बहरहाल मोइन की गेंद का सामना कर रहे हैं अरसलान जट, मुजम्मिल मुस्तफा दूसरी जानेब आ चुके हैं इस बार गेंद को खेला 3 रन के लिए। तो 171 के जवाब में 23 बना लिए हैं अब तक इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ने एक खिलाड़ी के नुकसान पर। अरसलान जट ने पहली गेंद पर 3 रन हासिल किए। मुजम्मिल मुस्तफा ऐसे बैटर हैं जो कहीं भी किसी वक्त किस्सा पलट सकते हैं और याद रहे कि इन्होंने मुजम्मिल को मोइन को आउट भी किया था, इस बार मोइन को छक्का लगा दिया। तो मोइन जट के ऊपर पूरे हाथ साफ करते हुए पहले बॉलिंग में और अब बैटिंग में मुजम्मिल मुस्तफा। तो 29 मजमू जा पहुंचा है, क्या करेंगे मुजम्मिल इस बार गेंद को खेला 2 रन के लिए। डबलिंग नहीं खानी भाई, मोइन ने ये तय किया हुआ है कि डबलिंग नहीं खानी और डबलिंग वो खा भी नहीं रहे। तो यहाँ पर अब देखना पड़ेगा कि क्या करते हैं। इस बार गेंद को खेला सिंगल के लिए। माइक चेंज कर दिया है, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन बहरहाल एक बार फिर तैयार और बोल्ड हो गए मोइन जट, अरसलान जट को ले उड़े, जट वर्सेस जट, बड़ा स्ट्रेट बॉलिंग, 5 रन पे आउट किया साहिब हुसैन, आ चुके नए आने वाले बल्लेबाज। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड को दूसरा झटका लग चुका है। एक बार 32 पे 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। इस बार गेंद को खेला खूबसूरत अंदाज से, गेंद जा रही है बाउंड्री की जानिब, 4 रन साहिब हुसैन के बल्ले से। अब आ चुके हैं लियाकत अली दूसरी जानिब और सामना कर रहे हैं मुजम्मिल मुस्तफा। मुजम्मिल मुस्तफा ने पहले गेंद को खेला जबरदस्त अंदाज में, गेंद स्क्वायर लेग की जानिब गई जहां मोइन जट ने फील्डिंग की, 3 रन बने। चौथे के लिए भी आना चाहते थे लेकिन मना किया साहिब हुसैन ने, साहिब हुसैन ने कहा मैं शॉट खेलूंगा और खेल दिया 5 रन के लिए, स्ट्राइक रोटेट कर दी साहिब हुसैन ने। मुजम्मिल एक बार फिर सामना करेंगे, 12 पे नॉट आउट है मुजम्मिल मुस्तफा। मुजम्मिल मुस्तफा और बोल्ड कर दिया इस बार, तो यहाँ डबलिंग 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 किए जा रहे हैं जनाब। तीसरी खिलाड़ी भी इस्लामाबाद यूनाइटेड के आउट हो गए, विकेट जल्दी हासिल करनी होगी और बॉलिंग है ऐसी लाहौर कलंदर की। हमजा रियाज आ चुके हैं, हमजा रियाज बैटिंग करने आए हैं, लियाकत का सामना करेंगे। 2 रन के लिए गेंद को खेला, 125 रन चाहिए 17 ओवर में। ओवर्स तो खैर आप हैंड क्रिकेट में छोड़ ही दीजिए, सबसे ज्यादा चीज है रन, तो वो काउंट करने वाली है। इस बार गेंद को खेला 3 रन के लिए हमजा रियाज ने। अब सामना करेंगे साहब हुसैन जिन्होंने 9 रन बना रखे हैं 2 गेंदों का सामना करते हुए। साहब हुसैन देखना पड़ेगा क्या करते हैं। वेटिंग फॉर ओपोनेंट बैट, बॉल हो चुकी है, साहिब ने गेंद को खेला सिंगल के लिए। स्कोर आफ्टर 3.0 ओवर का खेल मुकम्मल, 50 पे 3 खिलाड़ी आउट। न्यू बॉलर मोइन जट एमजे जैम, मोइन जट को फिर दूसरा ओवर दिया है जो कि पहले ओवर में कामयाबी भी हासिल कर चुके हैं। हर ओवर में विकेट गिर रही है लेकिन कोई ऐसा ओवर जिसमें 2 या 3 विकेट गिर जाए। जबरदस्त अंदाज में गेंद को खेला 5 रन के लिए साहिब हुसैन ने, जो 15 पे पहुंच गए हैं। अब लिया हमजा रियाज जो है वो अब सामना करेंगे। इस बार गेंद को खेला 2 रन के लिए, यहाँ पर मोइन डबलिंग नहीं करने दे रहा भाई, मोइन जट डबलिंग नहीं करने दे रहा भाई, पंजे छक्के पे डबलिंग नामुमकिन मोइन जट के खिलाफ, यूं कह लीजिए क्योंकि वो कहता है मैंने नहीं मारने देना। Waiting for opponent bat.
इस बार गेंद को खेला तीन रन के लिए जाल में फंसाना चाहते थे। दावत दी बैटर्स को कि वो फॉलो करें मगर उन्होंने तीन रन के लिए खेला हमजा रियाज, लेकिन इंटेलिजेंट बैटिंग करते हुए साहिब हुसैन अब सामना करेंगे जो 15 पर नॉट आउट है चार गेंदों का सामना करते हुए। पांच रन तो ये अच्छा है, पहले दो बार मोइन पंजे पे रहे वो नहीं आए और इस बार पांच, तो ये जो है ये काम हो रहा है भाई। तो फॉलो किया है मगर एक गेंद के बाद मोइन जट को। चले जी आपकी फॉलो करने की तमन्ना भी पूरी हो गई मोइन जट को, वो कह रहे हैं हमदा रियाज आ चुके हैं। इस बार गेंद को खेला हमदा रियाज ने खूबसूरत तरीके से गेंद जाने स्क्वायर लगे जाने शहजाद भागते हुए और नहीं पकड़ सके चार रन। अगली गेंद का सामना करेंगे हमदा रियाज। अच्छा स्ट्रोक गेंद को खेला तीन रन के लिए, तो इसी के साथ चौथा ओवर मुकम्मल 22 रन का ये ओवर था मोइन जट का 72 पे तीन खिलाड़ी आउट। इमरान अहमद जैम ये भी खतरनाक बॉलर है इमरान अहमद, सब 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 रखे हुए हैं शहजाद साहब ने सब हथियार। इस बार खूबसूरत स्ट्रोक और गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से घुमा दिया चार रन के लिए हमजा रियाज ने। इस बार गेंद को खेला सिंगल के लिए और डबलिंग नहीं करने दे रहे बीच लाहौर कलंदर्स के बॉलर मगर फिर भी और बार छक्का, तो लाहौर कलंदर्स के लिए मुश्किलात बढ़ती हुई। जबरदस्त स्ट्रोक खेला साहिब ने और इस बार सिंगल 84 पे तीन खिलाड़ी आउट सामना करेंगे और यहां पर आउट हो गए हमजा रियाज चौके लगाने के चक्कर में हैं और चलते बने हमजा रियाज 84 for 4। असद मजार एक और एक्सपीरियंस खिलाड़ी, एक और चाचा अंकल खिलाड़ी आप कह सकते हैं इन्हें। असद मजार जमील की तरह अंडा लेके जाएंगे या फिर कुछ करके दिखाएंगे ये तो देखना बाकी है। ओह माय गॉड, नहीं भाई छक्का। पांच ओवर का खेल मुकम्मल 90 चार विकेटों के नुकसान पर बड़ी धुआंधार जबरदस्त कमाल की बैटिंग जा रही है। लियाकत अली आ चुके हैं जी खेलने के लिए, तो लियाकत देखने पड़ेगा कि क्या कर पाते हैं। वेटिंग फॉर ओपोनेंट बैट। ओह माय गॉड बोल्ड हो गए, यहां पर कामयाबी हासिल कर ली साहिब हुसैन की। अरसलान आ चुके हैं, पांच खिलाड़ी आउट हो चुके हैं जी 90 रन पर और अब लियाकत आ चुके हैं खेल बॉलिंग करने के लिए और अरसलान उनका सामना करेंगे तीन रन के लिए। खेला बाल बाल बचे, सिर्फ दो रन का फर्क था और अरसलान भी चले जाते मगर ये है कि उन्होंने एक जबरदस्त बैटिंग की। इस बार जबरदस्त दो रन का मजीद इजाफा। 95 for 5 हो चुका है जनाब। स्कोर डॉट बॉल डॉट बॉल। अच्छा संभल के खेल रहे हैं असद मजहर। असद मजहर शहजाद ने इनके हवाले से कहा था ऊपर आते हैं मगर एक ही ऊपर शॉट लगा उसके बाद नीचे चले गए। अब देखते हैं क्या करते हैं। लियाकत ने बॉल सेलेक्ट कर चुकी। ओहो बात सच्ची हुई शहजाद की, जीरो के बाद सीधा सात नंबर छह नंबर आगे गए और आउट हो गए। लियाकत की कामयाबी। राहुल कुमार दूसरी बार बैटिंग करने के लिए आ चुके हैं 95 for 6। तो यहाँ मुकाबला फिर वही आ चुका है 95 for 6 और जल्दी से जल्दी विकेट लेनी होंगी यहाँ पर। लियाकत अली दूसरा ओवर कर रहे हैं, अब तक तीन खिलाड़ी आउट कर चुके हैं लियाकत अली और चौथे की भी तलाश में होंगे। देखना पड़ेगा इस गेंद पे क्या होता है, क्या ये इतना सब कुछ सोचने के बाद भी अंडा निकलेगा या फिर रन्स निकलेंगे ये तो देखना पड़ेगा ही। और चेंज कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया सलान की तरफ से इंटेलिजेंट कैप्टनसी। अब देखना पड़ेगा लाते किसको है। ये बड़ा सवाल है। हमजा रियाज एक बार फिर लाए हैं, इस बार जबरदस्त अंदाज़ गेंद को खेला तीन रन के लिए। वैसे राहुल के हिसाब से वो गेंद अच्छी थी 98 for 6 after 6। कप्तान आ चुके हैं जी शहजाद पन्नू जिनको एक ओवर में रन तो 20 पड़े मगर विकेट उन्होंने हासिल कर ली थी। तो यहाँ पर इस बार गेंद को खेल दिया सिंगल, सिंगल हासिल होगी यहाँ 99 for 6। ओह माय गॉड एक और सिंगल के साथ यहां पर रन्स को मजीद आगे बढ़ाते हुए
टीम लाहौर इस्लाम आबाद यूनाइटेड 8:21 हुआ चाहते हैं काफी लंबा ये मुकाबला आधे घंटे से भी ऊपर का हो चुका है। बड़ा स्ट्रोक गेंद को खेल दिया 6 रन के लिए 8.3 ओवर में 106 हो चुका मजमुआ। हमजा रियाज का ये छक्का शहजाद के खिलाफ और इस बार 5 रन तो जबरदस्त बैटिंग हमजा रियाज की तरफ से इंटेलिजेंट बैटिंग का मुजाहरा। मैन ऑफ द मैच के हकदार बन सकते हैं अगर यहाँ पर ये जितवाने में कामयाब होते हैं तो, क्योंकि इन्होंने विकेटें भी ले रखी हैं। इस बार खूबसूरत स्ट्रोक अरसलान की जानिब से 4 रन तो शहजाद को तो खूब आड़े हाथों लिया हुआ है इन लोगों ने, ना बैटिंग में चलने दिया और इस बार अरसलान आउट। लियाकत अली को फिर ले आए हैं 115/7 साहिब हुसैन अब सामना कर रहे हैं नॉन स्ट्राइकर एंड पर सामना कर रहे हैं हमजा रियाज। क्या लियाकत अली आउट कर पाएंगे? जबरदस्त स्ट्रोक गेंद को खेल दिया 4 रन के लिए 100 कवर के ऊपर से अगली गेंद इस बार 5 रन का इजाफा हमजा रियाज के स्कोर में और रन बहुत ज्यादा रह नहीं गए, काफी क्लोज ले आए हैं अरसलान जट के इस्लामाबाद यूनाइटेड डॉट बॉल। इस बार खूबसूरत स्ट्रोक 2 रन का इजाफा साहिब हुसैन ऑफ द मार्क। इस बार खूबसूरत चौका साहिब हुसैन के बल्ले से और सिंगल के साथ ओवर मुकम्मल 8 ओवर में 131/7 सिर्फ 40 रन चाहिए। मोइन जट आ चुके हैं यहाँ से कुछ भी हो सकता है और यहाँ पर विकेट हासिल कर ली मोइन जट को आप बड़ा स्ट्रोक में खेल सकते हैं। साहिब हुसैन आउट राहुल कुमार दूसरी बार बैटिंग करने आए हैं। वैसे कोई ऐसा खिलाड़ी है नहीं जिनको ये दूसरी बारी दे सके राहुल कुमार के अलावा, मतलब अगर वो नहीं खेलते तो, जो कि लग रहा है कि नहीं खेलेंगे। मुमकिन है कि 20 रन की पेनल्टी भी हो जाए लेकिन ऐसा करने नहीं देंगे अरसलान जट, क्योंकि एक एक्सपीरियंस इंटेलिजेंट और जबरदस्त कैप्टन है। राहुल कुमार तो खेल नहीं रहे, क्या होगा क्या होगा, क्या विकेट गिरेगी? Waiting for selection of striker. And time पे चेंज कर लिया जनाब। कौन खेलेगा अब ये देखना पड़ेगा। तकरीबन इनका हर बैटर ही दो पारियां ले चुका है। अरसलान साहब खुद भी 2 बारियां ले चुके हैं। मुजम्मिल मुस्तफा यही वाइड खिलाड़ी थे जिन्होंने 1 बारी ली थी। जबरदस्त स्ट्रोक गेंद को खेला 4 रन के लिए। मुजम्मिल मुस्तफा यहाँ से मैच निकाल सकते हैं अपनी टीम के लिए। हमजा रियाज दूसरी जानब रेत की दीवार हमजा रियाज दूसरी जानब चट्टान की तरह खड़े हुए हैं अपनी टीम के लिए और जीतना चाहते हैं वो ये मुकाबला। एक और जबरदस्त स्ट्रोक, एक और चौका, बैक टू बैक बाउंड्रीज बाय मुजम्मिल। डबलिंग खाने से ही रोक रहे थे कैप्टन और डबलिंग ही हो रही है मोइन जट के खिलाफ। खुद ही रोक रहे हैं और खुद ही डबलिंग करवा रहे हैं। क्या तीसरा चौका? अरे अरे वही पकड़ा जहां पकड़ना चाहते थे मोइन जट। मुजम्मिल मुस्तफा इज गॉन, 9th विकेट डाउन। असद मजार कम्स इन, लाहौर कलंदर्स अब इस मुकाबले के मजीद करीब तर। 139/9 एक बार फिर तैयार है यहाँ पर। इस बार खूबसूरत स्ट्रोक असद मजहर का चौका, 0 वाले तो बात ही नहीं है मोइन जट साहब। तो यहाँ पर इब्तदा चौके के साथ कर दिया है असद मजहर ने। अगली गेंद देखते हैं क्या करते हैं। अभी तक सिलेक्ट नहीं की, अभी भी सिलेक्ट नहीं की। इस बार गेंद को खेला 2 रन के लिए। पाल बची है 7 मजा। 9 ओवर का खेल मुकम्मल 145/9। क्या शहजाद खुद आएंगे? लियाकत अली, क्या ये इनका 5वां ओवर है? नहीं नहीं जनाब, 4th ओवर है। तो इतने एक्सपीरियंस कैप्टन से ये गलती की तवक्को होती भी नहीं है। लियाकत सामना करेंगे, इनका सामना करेंगे हमजा रियाज। हमजा रियाज का खूबसूरत स्ट्रोक, हमजा रियाज का चौका, यहाँ पर सनसनी मजीद बढ़ती हुई इस मुकाबले में।
अब रन बहुत थोड़े रह गए हैं, गेंदे बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मसला ये है कि विकेट सिर्फ एक है, वो किसी भी वक्त गिर सकती है। लियाकत क्या बात है, छक्का, बड़ा छक्का, हमजा रियाज कलीदी किरदार अदा करते हुए अपनी टीम के लिए लियाकत को आड़े हाथों लिया। 155 पे 9 खिलाड़ी आउट। चाल चलते बॉल आ गए, माय गुडनेस, बैक टू बैक सिक्स लगाना चाहते थे मगर विकेट हासिल कर ली लियाकत अली ने और यहां पर शिवम साबित मैन ऑफ द मैच करार पाए। लियाकत अली की जबरदस्त बॉलिंग की बदौलत लाहौर कलंदर्स ने ये मुकाबला अपने नाम किया। लियाकत, मोइन और इसी तरह क्या नाम है, इमरान भाई को भी आजमाया गया, शहजाद साहब खुद भी आए जिन्होंने खिलाड़ी भी आउट किया, मगर ये है कि ले उड़े भाई ले उड़े मैन ऑफ द मैच शिवम साबित और लियाकत की धुआंधार जबरदस्त बॉलिंग के बायस ये मुकाबला जीतने में कामयाब हुई। यहाँ पर लाहौर कलंदर्स की टीम और शिवम साबित ये मैन ऑफ द मैच करार पाए हैं। बड़ा नुकसान नहीं हुआ इस्लामाबाद यूनाइटेड को रन रेट के अंदर और यूं ये इस मुकाबले का हुआ है दोस्तों इख्तिताम इस बात के साथ कि लाहौर कलंदर्स ने ये मुकाबला जो है वो जीत लिया 15 रन के मार्जिन से और इसके बाद मुकाबला शुरू होने वाला है जी इसके बाद मुकाबला शुरू होने वाला है जनाब लाहौर क्या नाम है यार चेन्नई सुपर किंग और क्या नाम है दूसरी टीम का मुंबई इंडियंस। तो मुंबई इंडियंस के और चेन्नई सुपर किंग्स के दरमियान अब ये मुकाबला होने वाला है तो उसकी बॉल बाय बॉल कमेंट्री आपके आपको यासर राजपूत पहुंचाएंगे। मुझे इस मैच के ऊपर से दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।